इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इस पर पूरे देश की दृष्टि है। सभी देशवासी इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस ऐतिहासिक क्षण में मेरे साथ मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री हरदीप पुरी जी, किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, कौशल किशोर जी आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं। देश के अनेक गणमान्य अतिथिगण वे भी आज यहां उपस्थित हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे,
भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया, उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियां और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भाइयों और बहनों, पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था मुझे वहां भी जाना था, जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाइयों और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी
उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए पंच प्राणों का विजन रखा है। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है, इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं, आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं, आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है, ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं, उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है, ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारु कुलई नल्ल नाइंगल भारत नाड। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में,
सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ये तविल तमिल कवि भरतियार का, उनकी कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव को अनुभव कीजिए। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में ये पूरे विश्व को भारत की हुंकार थी, ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का आह्वान था, जिस भारत का वर्णन भरतियार ने अपनी कविता में किया है। हमें उस सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है, और इसका रास्ता इस कर्तव्य पथ से ही जाता है। साथियों, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओत प्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता? अगर पथ ही राजपथ हो, तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी?